नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे ह्यूमरस फ्रैक्चर्स के ये कॉमन फ्रैक्चर है डायफिसिस ऑफ द ह्यूमरस जो एसोसिएटेड होते हैं रेडियल नर्व इंजरी से डायग्नोसिस होता है विद रेडियोग्राफ्स ऑफ द ह्यूमरस ट्रीटमेंट नॉन ऑपरेटिव भी होता है और ऑपरेटिव भी होता है ये डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर पे फ्रैक्चर मॉर्फोलॉजी पे और एसोसिएटेड और कोई इंजरीज है अगर सेम आम में या हाथ अपर लिम में एपिडीमियोलॉजी देखें तो थ्री टू फाइव परसेंट ऑफ ऑल फ्रैक्चर्स है डीमोग्राफ्स देखें तो बाई मॉडल एज डिस्ट्रीब्यूशन है यंग पेशेंट में हाई एनर्जी ट्रॉमा से होता है और में लो एनर्जी है डिस्टल ह्यूमरस ट्राइंगुलर बन जाता है और इंट्रामेडुल कैनाल टर्मिनेट होती है दो या तीन सेंटीमीटर प्रोक्सीमल टू ऑलिक्रेनॉन फोसा मसल देखे तो इट इज साइट फॉर इंसर्शन ऑफ पेक्टोरालिस मेजर डेल्टोइड कोरेकोब्रेकियालिस ओरिजिन मसल्स का होता है इसमें से ब्रेकियालिस का ट्राइसेप्स का ब्रेकियो रेडियालिस का नर्व जो कॉन्टैक्ट में आती है वो रेडियल नर्व ये कोर्स करती है अलोंग द स्पाइरल ग्रूव चौदह सेंटीमीटर प्रोक्सीमल टू लैटरल एपिकॉन्डाइल और बीस सेंटीमीटर प्रॉक्सिमल टू मीडियल एपिकॉन्डाइल क्लासिफिकेशन देखे तो डिस्क्रिप्टिव क्लासिफिकेशन है फ्रैक्चर लोकेशन पे प्रोक्सीमल मिडिल या डिस्टल या तो फ्रैक्चर पैटर्न पे स्पाइरल ट्रांसवर्स या कॉम्यूनिटेड होलस्टाइन लुइस फ्रैक्चर एक स्पाइरल फ्रैक्चर होता है डिस्टल वन थर्ड ऑफ ह्यूमरस शाफ्ट का ये कॉमनली एसोसिएटेड होता है विद रेडियल नर्व न्यूरोप्रैक्सिया ट्वेंटी इंसिडेंस है इन दीज फ्रैक्चर्स सिम्टम्स देखिये तो है पेन और एक्सट्रीमिटी वीकनेस फिजिकल एग्जाम में ओवरऑल लिम अलाइनमेंट देखते हैं ऑफन शॉर्टनिंग होता, होता है और वायरस होता है आम में प्री ऑपरेटिव और प्री डिडक्शन न्यूरोवास्कुलर एग्जाम क्रिटिकल है एग्जामिन करना चाहिए स्टेटस ऑफ रेडियल नर्व प्री एंड पोस्ट रिडक्शन इमेजिंग देखें तो रेडियोग्राफ्स में एपी और लैटरल व्यू करते हैं हमेशा एक जॉइंट ऊपर और नीचे देखना चाहिए एक्सरे में ट्रांसथोरासिक लैटरल व्यू कर सकते हैं यह सर्जिकल प्लेन डिफॉर्मिटी का बेटर एप्रिसिएशन करता है पेशेंट को रोटेट करने से प्रिवेंट होता है रोटेशन ऑफ डिस्टल फ्रैगमेंट फर्दर सॉफ्ट टिश्यू और नर्व इंजरी अवॉइड होता है ट्रैक्शन व्यू नेसेसरी हो सकता है अगर फ्रैक्चर सिग्निफिकेंटली शॉर्टेंड है या प्रॉक्सिमल या डिस्टल एक्सटेंशन है बट रूटीनली इंडिकेटेड नहीं होता ट्रीटमेंट देखे तो नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में कोएप्टेशन स्प्लिंट डालते हैं फॉलोड बाय फंक्शनल ब्रेस इसका इंडिकेशन है वास्ट मेजोरिटी ऑफ ह्यूमरल शाफ फ्रैक्चर क्राइटेरिया है एक्सेप्टेबल अलाइनमेंट होना चाहिए लेस देन 20 डिग्री एंटीरियर एंगुलेशन लेस देन 30 डिग्री वारस वालगस एंगुलेशन लेस देन 3 सेंटीमीटर शॉर्टनिंग एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सीवियर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या बोन लॉस वैस्कुलर इंजरी जिसे रिपेयर करना पड़ता है या ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी आउटकम्स देखिए तो 90 परसेंट यूनियन रेट है इंक्रीज हो जाता है रिस्क विद प्रोक्सीमल थर्ड ओब्लिक या स्पाइरल फ्रैक्चर वारस एंगुलेशन कॉमन है बट रेयरली फंक्शनल या कॉस्मेटिक्स इक्वली होते हैं डैमेज कंट्रोल ऑर्थोपीडिक्स Fracture, जो लो वेटी गॉट है इसे इनिशियली स्प्लिट याबल फ्रैक्चर अलाइनमेंट पैरामीटर फ्रैक्चर पैटर्न एंड एसोसिएटेड इंजरीज ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन की एब्सोल्यूट इंडिकेशन है ओपन फ्रैक्चर वैस्कुलर इंजरी

फ्रैक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिस्ट्रैक्शन अगर है फ्रैक्चर साइट में शॉर्ट ओब्लिक ट्रांसवर्स फ्रैक्चर पैटर्न है या इंट्रा आर्टिकुलर एक्सटेंशन है इंट्रा मेडुलरी नेल के रिलेटिव इंडिकेशन है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर सेगमेंटल फ्रैक्चर सिवियर ऑस्टेपोरोटिक बोन ओवरलाइंग स्किन कॉम्प्रोमाइज जो ओपन अप्रोच लिमिट करती है और पॉलीट्रोमा पेशेंट्स तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है आगे हम और बात करेंगे इस फ्रैक्चर के बारे में अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद